हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सरिता नेगी देहरादून उत्तराखंड से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही मैं सुबह के 11 बजे से। तो बाकी घर का सुबह का काम हो चुका है हमारा और अभी हम देख रहे होंगे आप लोग, हम हो रखे हैं तैयार और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। और हमारे साथ कोई और भी है, तो यहाँ देखिए ये हमारे साथ आ रखी है आज मेरी आरखी ननद। तो ये आ गई थी कल, तो कल से आ रखी थी, तो कल से तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज हम जा रहे हैं सबके सब घूमने, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं और आप लोग बने रहे हमारी वीडियो में। देखो हेलो कर दो हेलो। और ये है मेरी ननद का छोटा वाला बेटा, तो ये भी तैयार हो रखा है। मेरी ननद का बड़ा बेटा है, ये भी आ चुका है अंदर। हेलो, तो ये सबके सब बैठे हुए हैं और ये रहेंगे घर में दोनों बाप बेटे। हेलो, तुम घर में रहना ठीक है। हेलो हेलो अश्विन, इधर देख के तो इसको तो इधर देखना ही नहीं है। तो ये रहेंगे दोनों के दोनों घर में। हेलो गाइस, हम घूमने जा रहे हैं, बाय बाय। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं फाइनली हम देहरादून फेरा गेट के बाहर और ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमें आना था यहाँ घूमने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है गेट और यहाँ से मिलेगी आपको टिकट। तो सामने काउंटर है तो वहाँ से टिकट मिलेगी और उसके बाद ही यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगी। और टिकट यहाँ पे 15 रुपये की है, तो आप लोग जब भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे पहले टिकट ले लेना। और दोस्तों यहाँ पे मतलब अपनी गाड़ी से भी आप लोग आ सकते हो और ये है देहरादून चक्राता रोड, तो यहाँ पे आप लोग मतलब अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। ये है यहाँ का गेट, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अभी हमने बाहर से गेट से एंट्री ले ली और हमने टिकट वगैरह लेके अंदर आ चुके हैं और यहाँ से जाएंगे हम। बिल्डिंग काफ़ी आगे अभी, तो आप लोगों को अभी आगे मिलेंगे हम। तो अभी तो काफ़ी यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितनी दूर है अभी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ से मतलब पैदल रास्ता 1-2 किलोमीटर होगा और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जगह है घूमने लायक। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सरकारी कॉटेज भी है और आप लोग यहाँ पे ना अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। और जिनके पास मतलब गाड़ी नहीं, पैदल आ रहे हैं, तो गेट के सामने से आप लोगों को गाड़ी भी मिल जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से बिल्डिंग के नज़ारे हम लोगों को दिखने लगी बिल्डिंग। तो हम जाएंगे बैक साइड से क्योंकि हम फ्रंट साइड से नहीं जाएंगे, हमें लेनी है टिकट। तो सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर में और यहाँ पे देख सकते हो पूरा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने बजे खुलता है और यहाँ पे टिकट है 60 रुपये की और छोटों की है 15 रुपये की। तो हम लोग भी टिकट ले लेते हैं। तो चलिए टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं म्यूज़ियम में, जो यहाँ के संग्रहालय है और यहाँ के जो मतलब अनुसंधान में प्रयोगशालाएँ हैं, पुस्तकालय हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 4-5 म्यूज़ियम हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वहाँ लेके चलेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको इस खूबसूरत सी बिल्डिंग को। तो आप लोग बने रहिए और यहाँ पे ऐसे ही आपको मतलब साइन दिखाई देंगे कि इधर से रास्ता है, तो आपको बताया यहाँ पे मतलब बताया जाता है कि इधर जाइए इधर जाइए, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये लोग पहले आ चुके हैं, तो यहाँ से चलेंगे हम अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट संग्रहालय, तो यहाँ से जाएंगे हम अंदर और देखते हैं जितना भी आप लोगों को दिखा सकते। चलते हैं अंदर। वैसे तो यहाँ पे फ़ोटो शूट और वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिस्क ले लेती हूँ। तो चलते हैं अंदर, आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे पुराने से पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हुई है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब आप लोगों को सालों पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे रिसर्च करने के बाद यहाँ पे उन चीज़ों को रखा गया है, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। पूरा मतलब आप लोगों के यहाँ पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जब भी आप लोग आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आप लोग मतलब म्यूज़ियम में ज़रूर जाएँ। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर और चलते हैं दूसरे वाले म्यूज़ियम में। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। यहाँ पे देखिए कितनी तरह की मतलब बटरफ्लाई लगा रखी है और ये सारी ना असली थी और ये मतलब पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतनी सारी बटरफ्लाई और अलग अलग प्रजाति की। तो मतलब काफ़ी मतलब यहाँ पे लगा रखी थी उन्होंने, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये ग्रास होपर और ये भी अलग अलग प्रकार के ग्रास होपर है।
तो यहाँ पे पूरा दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी ऐसा लग रहा है कि लकड़ी होगी, लेकिन ये भी एक मतलब ग्रास ऊपर ही है। तो ये मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे थे। और दोस्तों साथ में यहाँ पे देख सकते हो आयुर्वेद का विकास। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बताया गया है कि पहले के टाइम पे जब मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं थे तो किस तरह से मतलब आयुर्वेद का मतलब इलाज होता था। तो यहाँ पे पूरा मतलब बताया गया किस तरह से खेती होती थी, किस तरह से लोग मतलब इलाज करते थे। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरा मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किस तरह से उनका मतलब दवाई बनती थी और किस तरह से उसको तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई हुई है। और यहाँ पे साथ में है कि किस तरह से मतलब पहले के टाइम पे ऋषि मुनि जो रहते थे तो वो जंगलों में कैसे रहते थे, कुटिया में, और कैसे मतलब नदी के किनारे वो रहते थे। और ऊपर देखिए दोस्तों कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे देखिए कि यज्ञ होते थे उनके। तो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बाघ, तो ये ऐसा लग रहा है कि असली बाघ होगा, लेकिन इसकी ना खाल निकाल के लगाई गई हुई है और खाल तो इसकी असली थी। तो बहुत ही मतलब लग रहा था कि रियल होगा। और यहाँ पे मतलब आगे बाकी जो अलग अलग तरीके से मॉडल बताए गए थे, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियो में कि क्या क्या मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही पुरानी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है देवदार का वृक्ष और ये तना है 800 साल पुराना। और ये जब लाया गया था यहाँ कुमाऊँ से, इसको यहाँ पे जब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था ना, तब इसको इस तने को यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कौन से सन को यहाँ पे मतलब ये निर्माण काल हुआ था कुतुब मीनार का, और तब इसको यहाँ पे लाया गया था। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो म्यूज़ियम वगैरह घूम के तो हम आ चुके हैं, और अब आ चुके हैं हम कैंटीन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैंटीन भी है और साथ में यहाँ पे है पार्किंग एरिया। तो जो अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो उनके लिए यहाँ पार्किंग एरिया है। और कैंटीन में बाहर बैठने की सुविधा भी है, आप लोग अपना खाना लेके भी यहाँ पर आ सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और हम लोग भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ मतलब मेन्यू में क्या है खाने के लिए। बच्चों को काफ़ी भूख लगी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो रखी है अंदर, तो हम लोग भी ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों का ऑर्डर भी आ चुका है। बच्चों ने बोला कि हमें खाने हैं छोले भटूरे, तो इनके छोले भटूरे भी आ चुके हैं और इनको काफ़ी भूख लगी। यहाँ देखिए बच्चों की हालत कैसी हो रखी, यहाँ देखिए घूम घूम के ऐसे हो गए थे। तो चलिए, और उसके बाद अभी आ चुके हैं हम बाहर, और अभी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी भीड़ हो रखी है खाने वालों की। तो यहाँ पे लोग पिकनिक के तौर पे भी आते हैं और अपना खाना लेके आते हैं घर से। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपना खाना लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बैक एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी बिल्डिंग की यहाँ पे बैक साइड का जो एरिया है ये है। और यहाँ पे पार्किंग भी पीछे बैक के साइड ही होती है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है घूमने लायक। फाइनली हम आ चुके हैं फ्रंट एरिया में। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग के खूबसूरत सा नज़ारा, ये है पूरी बिल्डिंग के नज़ारे जो फ्रंट एरिया से दिखती है, तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए कितनी हो रखी है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है और यहाँ पे शांत वातावरण है, तो सभी लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ हो रखी है। और कहा जाता है कि जो ये फायरा का इतिहास है वो हमारे भारत आज़ाद होने से पहले का इतिहास है। ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसको फिर 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको फिर पुनर्स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये बिल्डिंग बहुत ही मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग है। माना जाता है कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो उस टाइम पे चूना, पत्थर और उड़द की दाल से ये बनाया गया था, और ये पूरी बिल्डिंग उड़द की दाल और चूने से बनाई गई है उस टाइम की। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते रहते हैं घूमने के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर आइए। और यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज वगैरह। तो यहाँ पर जानी मानी जो फिल्में हैं उनकी भी यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है।
दोस्तों अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ बाहर और बिल्डिंग हमारे पीछे छूट गई, तो हम लोग अभी यहाँ पे सभी लोग अपना मतलब फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग भी यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाने आ रखे हैं और आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ के। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है यहाँ पे, जो देहरादून की फेमस जगह है यहाँ पे FRI। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो और आप लोग भी यहाँ पे आके मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ देखने लायक। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी म्यूज़ियम के बारे में बताया था, अंदर यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह है और साथ में यहाँ पे मतलब घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इन लोगों का ना घर जाने का मन नहीं कर रहा और मैं भी यहाँ पे बैठ गई छाँव में, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ धूप लगी यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप लगी हुई। और ये लोग बैठे हुए यहाँ पे, इन लोगों को बोले ठंड लग रही। तो यहाँ पे देखो मेरे को आंटी लोग मिल चुके हैं और आंटी लोग मेरे को आवाज़ दे रहे थे लेकिन मेरे को पता नहीं था कौन है। तो यहाँ पे आंटी की दीदी है और यहाँ पे आंटी है हमारी और यहाँ पे हमारी छोटी बहन है, ये इनकी लड़की है। तो हाय बोलो। हेलो। तो मैं बोल रही कि पता नहीं कौन है यहाँ पे, आंटी लोग मेरे को आवाज़ दे रहे थे। तो चलिए आंटी लोग अभी अब आ रहे हैं और हम लोग अब घर की तरफ कर जा रहे हैं। तो चलिए बाय बाय बाय। हम आ चुके हैं काफ़ी आगे, तो यहाँ पे सारे बच्चे भी थक गए, हम भी थक गए और यहाँ पे बच्चों को भूख भी लगी, काफ़ी भूख लगी, बच्चे बोले भूख लग रही है। और अभी लोग तो आए जा रहे क्योंकि 4 बजने वाला है और लोग अभी आ ही जा रहे और इसको भी काफ़ी भूख लगी है। और अंदर से आ गए हम लोग और अभी यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर चलते हैं घर। तो यहाँ पे ये लोग खड़े हो रखे हैं और यहाँ पे है मिनी, तो यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में आके हमने यहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए कबाब और साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है डोसा। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे खा लेते हैं। तो हम भी आ गए अभी रेस्टोरेंट से बाहर और अभी हम लोग खा पी के आ गए, पेट पूजा कर ली और अब ये जाएंगे यहाँ से अपने घर, क्योंकि अब हम मतलब ये घर नहीं जाएगी, यहीं से निकल जाएगी अपने घर को। और बिन्नी तो यहीं रहने के लिए तैयार रहता है, उसको ना यहीं अच्छा लगता है, वो बोलता है नानी के घर जाना है। तो अब चलिए इनको गाड़ी में बिठा देते हैं यहाँ से। और एक ना यहाँ से मिलेंगी इनकी यहाँ के लिए मैजिक। तो यहाँ क्या बोल रहा, घर नहीं जाना, कहाँ जाना, नानी के घर। तो ये बोल रहा है कि नानी के घर जाना है, अपने घर नहीं जाना, कल आना ठीक है, कल ठीक है। मतलब बच्चा अभी मैं भी बैठ रही यहाँ पे, इसका रोना हो रहा है कि मेरे को भी लेके चलो यार। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अब मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।